अभी हम लोग शुरू करेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स रियल में है क्या? तो जब अगर हम नंबर शुरू करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से नंबर अगर हम शुरू करते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या है, नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। और इसमें अगर 0 हम इंक्लूड कर दें, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन, इस तरह से नंबर, तो इसको हम कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। लेकिन अगर नंबर इस तरह से जाए कि -1, -2, -3, -4, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम नेगेटिव नंबर कह सकते हैं। तो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर जो आता है इंटीजर्स का मतलब ये होता है, इंटीजर्स का मतलब होता है कि जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव विद इंक्लूडेड 0 दोनों नंबर हो। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब के सब नंबर जो है ये इंटीजर्स कहे जा सकते हैं। यानी इसको -5 कह सकते हैं, -4, -3, यानी इंक्लूडेड बोथ नंबर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल्सो 0 भी, इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्लस में रखेंगे, जैसे मान लीजिए 5 हो गया, तो 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये प्लस में बढ़ रहा है। लेकिन अगर इससे ये कम हो जा रहा है, टेम्परेचर अगर बिलो हो जा रहा है, डाउन हो जा रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, -5 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं। ये आसानी से हम इसको समझ रहे हैं, यानी इंटीजर्स होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ का बढ़ना तो उसको प्लस में रखेंगे, और घटना यानी डिक्रीज होना उसको हम माइनस में रखेंगे। इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। इसका ऑर्डरिंग की बात करें, अगर मान लीजिए ऑर्डर की बात करें, ऑर्डरिंग की बात करें यानी असेंडिंग डिसेंडिंग की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे 3 जो है वो ग्रेटर होगा 1 से, 5 जो है ग्रेटर होगा 2 से। अगर ये बात आता है तो 0 ग्रेटर होगा किससे, -1 से, ये बड़ा है। और -2 ग्रेटर होगा -3 से, क्योंकि ये क्यों, -2 जो है वो ग्रेटर हो रहा है -3 से, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी से ऋण ले रहे हैं, तो 2 रुपया ऋण ले रहे हैं और यहाँ 3 ले रहे हैं, तो इसमें जो है बड़ा वैल्यू जो है, हमेशा कर्जा कम रहे तो उसको हम अच्छा मानते हैं या बड़ा मानते हैं कि वो ठीक है। तो इस कंडीशन में हम हमेशा माइनस वाले साइन को ऊपर रखेंगे, ठीक है। यहाँ और अगर हम कंपेयर देखें, ठीक है, जैसे -1 और -2, इसमें कहा जाए कि ग्रेटर कौन है, तो जाहिर सी बात है -1 इसमें ग्रेटर है, ठीक है, और ये स्मॉलर है। अब जीरो जो है ये ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ये दोनों में से कोई नहीं है, ना तो नेगेटिव है और ना तो पॉजिटिव है। उसके बाद आता है इसको नंबर लाइन पे दर्शाना, नंबर लाइन पे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये मेन पॉइंट हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हो गया। इधर बढ़ते हैं, जब इसकी हम राइट साइड बढ़ते हैं तो पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो नेगेटिव नंबर होता है। तो इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, सो ऑन, ये बढ़ते चला जाएगा इधर, ये बढ़ते चला जाएगा इधर। तो अगर इस पर हम और देखें कि नंबर लाइन पर मान लीजिए ऐड हमको करना है, या हमको दिखाना है 3 मोर देन 5, अगर हमको दिखाना है कि 3 मोर देन 5, 5 से 3 ज़्यादा, अगर हमको ये दिखाना है, तो ये नंबर 5 तो यहाँ आया, यानी 0 से अगर इसको हम देखें कि 3 मोर देन 5, पहले 5 पे हम पहुँचे, अब 3 मोर देन चाहिए, तो 1, 2, यानी यहाँ हम 7 रखेंगे, और एक और बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8। यानी इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि 3 मोर देन 5, दैट मीन्स रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, 8। इसको और भी हम देखते हैं नंबर लाइन पे, इसको और कैसे हम दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना ये है नंबर लाइन पे, सपोज करिए कि नंबर लाइन पे अभी हम देख रहे हैं, अगर लिखना है कि 4 मोर देन -1, तो इसको अगर हम लिखते हैं, तो यहाँ मान लीजिए 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, सो ऑन, नंबर बढ़ते जाएगा। तो हमको जाना कहाँ है, 4, यहाँ से 4 मुझे यहाँ मिला 4। अब 4 से क्या है, 4 मोर देन -1, ठीक है, यानी यहाँ से हम एक कम आते हैं, अगर एक कम कर लेते हैं तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 3 रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर इसका हम ऐड की बात कर लें,
इंटीजर्स का ऐड की बात कर लें नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे मान लीजिए हमको ऐड करना है 5 प्लस 7, तो हम यहाँ वाले ज़ीरो रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बढ़ते जाएगा यहाँ से, इधर रखते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5, तो हमको जाना है 5 प्लस 7, तो यहाँ से ज़ीरो से हम कहाँ गए, 5 के पास गए, यहाँ से 7 और बढ़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितना हो गया 12 हो गया, और दोनों का एडिशन में हमको कितना मिलता है 12, ये नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर दिए। अगर मान लीजिए इसका एडिशन ही हम बनाते हैं, जैसे दूसरा अगर हम बात करें तो -5 और +7, मान लीजिए इसी को हमको बनाना है, तो यहाँ हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर जाते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो ये है 7 -5 +7, तो हम पहले जाएंगे कहाँ, 7 पे जाएंगे, यानी 7 मेरा यहाँ है, अब इसे 5 बैक जाना है, माइनस में जाना है, माइनस का मतलब हम बताए थे बिलो और प्लस का मतलब एबव, यहाँ से 5 जाएंगे तो 1 2 3 4 5, यानी रिजल्ट मुझे क्या मिला 2, और 2 है क्या, तो पॉजिटिव नंबर है, जिस नंबर के आगे कोई साइन हो नहीं हो वो पॉजिटिव में रहता है, इंटीजर्स हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव को दर्शाते रहता है, तो इस तरह से ये हम सीखें। अगर हम इसकी और बात कर लें, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर लें, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए -4 है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना होगा, तो -4 को एब्सोल्यूट कर देंगे ये 4 हो जाएगा, अगर मान लीजिए हमको 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू करना है तो 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होगा, मान लीजिए 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू करना है हमको तो 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस तरह से हम आसानी से इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, यहाँ 0 नेगेटिव पॉजिटिव ना तो नेगेटिव है ना ही तो पॉजिटिव है, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके सब्ट्रैक्शन की बात करें, इसके सब्ट्रैक्शन की बात करें, जैसे इसमें देखते हैं इसके सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो जैसे मान लीजिए आपको अगर लिखना है -4 + 8 और -3, इस तरह से अगर है तो ये माइनस वाले को हम इकट्ठा कर लेंगे, तो ये कितना हो गया -7 और +8, चूँकि अब प्लस वाला सिंबल ज़्यादा है, यानी कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस में हो जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 1 प्लस में हो जाएगा। और दूसरी तरह का अगर हम सम देखना चाहते हैं, जैसे -8 23 -32 -17 एंड -63, सपोज करिए ये नंबर है, इसको सॉल्व करना है, ये हो गया -8 + 23 + -32 + -17 + -63, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा -8 + 23, और ये प्लस माइनस क्या मिलकर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -32, यहाँ हो जाएगा -17, यहाँ हो जाएगा -63, और इसको हम ऐड करना शुरू करें तो ये हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये सब माइनस में है, यानी 23 और माइनस ये सबको इकट्ठा कर सकते हैं, 8 + 32 + 17 + 63, ठीक है, और इस तरह से ये अगर देखते हैं 23 इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 10 और 10, 20 का 0 carry 2 6 7 8 9 10 11 12 और 12 और 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी इस तरह से ये हमको कितना मिल गया, यानी हो गया ये 32 8 40 40, इधर से आया और इधर से हो गया 60 70 80 80 और 40, हो गया कितना 120 हो गया, यानी 120 और -23, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो माइनस नहीं आएगा, ये 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा 7, और 11 में से 2 गया 9 2 11, यानी रिजल्ट आएगा -7, और इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। अगर मान लीजिए इंटीजर्स निकालना है आपको, फिर से अगर दूसरा देखते हैं, फाइंड द इंटीजर्स अगर लिखना हो, जैसे 2 + a = 0, तो यहाँ इंटीजर्स की बात करें तो a बराबर क्या हो जाएगा -2,
क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि ए बराबर टू, तो ए जो है इधर पॉजिटिव है और टू भी पॉजिटिव है, जब इसका साइड चेंज होता है तो ये निगेटिव हो जाता है, तो यहाँ इसका इंटीजर्स हम लिखेंगे माइनस टू। ठीक है, इसका कम्युनिकेटिव एडिटिव की बात करें, अगर हम कम्युनिकेटिव एडिटिव की बात करें, एडिशन की बात करें, तो जैसे ए प्लस बी ये इक्वल होगा बी प्लस ए के, इस तरह से कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। जैसे सपोज करिए पहला अगर हम बनाएं कि माइनस थ्री और प्लस एट जो है ये फाइव है, तो ये इक्वल होगा एट प्लस माइनस थ्री के, यहाँ पे रिजल्ट आएगा फाइव, क्योंकि ये इसमें से बड़े वाला का साइन हमेशा रखते हैं, तो ये पॉजिटिव में हो गया और एट में से थ्री गया तो फाइव हो गया। यहाँ भी ये मल्टीप्लाई का ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और एट में से थ्री जाएगा तो रिजल्ट आएगा हमको फाइव। ठीक है, तो ये आसानी से आप बना सकते हैं। इसका अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें हम, नंबर लाइन का सब्ट्रैक्शन करने की, तो वो बिल्कुल ही आसान है। ऐसे कोई नंबर अगर नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्ट करना हो हमको, तो ये नंबर लाइन यही है, इससे क्वेश्चन हम दे दिए कि 4 माइनस 9, सपोज करिए 4 माइनस 9 हम अगर दे दिए, तो यहाँ लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर बढ़ते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, बढ़ गए यहाँ तक, तो हम जाना है कहाँ -9 4 माइनस 9, यानी पहले हम जाएंगे कहाँ 4 पे, फिर 9 बैक आना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये फाइनली 9, यानी रिजल्ट हमको कितना मिला -5। इस तरह से आप शो कर सकते हैं इसको नंबर लाइन को। ठीक है, अगर इसकी हम मल्टीप्लाई की बात करें, मल्टीप्लाई अभी हम ऐड देखें सब्ट्रैक्ट देखें, मल्टीप्लाई की बात करें तो यहाँ साइन का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना जरूरी है। जैसे माइनस और इंटू कर रहे हैं माइनस से, तो ये हमेशा क्या होगा प्लस हो जाएगा। अगर माइनस और इंटू कर रहे हैं प्लस वाले से, तो ये हो जाएगा माइनस। अगर प्लस इंटू कर रहे हैं माइनस वाले से, तो ये हो जाएगा क्या माइनस। पुनः प्लस और इंटू कर रहे हैं प्लस से, तो ये हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा। जैसे एक एक उदाहरण देखते हैं। सपोज करिए कि -3 × -4, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ अगर देखें तो -3 × अगर 4 को हम मल्टीप्लाई करें, तो 4 × 3 = 12, क्या हो जाएगा -12। यहाँ अगर करें तो 3 × -4, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12, पुनः -12 हो गया। यहाँ अगर बात करें 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये आपको मल्टीप्लाई इसका आसानी से समझ जाना चाहिए। अगर हम इसके डिवाइड की बात करें तो अगर पहला कंडीशन ये है कि फ्रैक्शन जो भी होता है डिवाइड को दूसरे तौर पर हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 4 में 2 से डिवाइड करना है, इसको हम फ्रैक्शन में 4/2 लिख सकते हैं। तो अगर इस चीज़ को ऐसे लर्न, तो ये हो जाएगा मेरा 2। अगर है कि -4 और डिवाइडेड 2, यानी इसका मतलब हुआ कि माइनस में हमको डिवाइड करना है प्लस से, ये हमेशा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं -4 और / 2, तो 2 × 4 यानी रिजल्ट क्या है -2। अगर यही चीज़ ऐसे ना देकर हो रहा है कि 4 / -2, तब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 और -2, जबकि नीचे माइनस डिनोमिनेटर में कभी नहीं रहता है, ये -2 ही रहेगा, ये हमेशा ऊपर चला जाता है, यानी डिनोमिनेटर में कभी माइनस का साइन हम नहीं रखते, हमेशा ये न्यूमरेटर में चला जाता है। इस तरह से आप डिवाइड देख रहे हैं। डिवाइड में दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो न्यूमरेटर में माइनस लगा हो या डिनोमिनेटर में माइनस हो, तो ये दोनों कटकर कहाँ चला जाता है माइनस में। उसके बाद इसकी पावर की बात आ जाती है। अगर हम इंटीजर्स में पावर की बात कर रहे हैं, जैसे -1 है, इसका पावर अगर हम 4 रख दें, इसका मतलब हुआ क्या -1 कितनी बार 4 बार, तो -1 यानी यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर इन दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस प्लस क्या हो जाता है माइनस। यानी पावर अगर इवेन हो तो नंबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। पावर अगर इवेन हो तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पावर जैसे -1 ही रखे, पावर अगर 3 हो जाता तो -1 × -1 और −1, यानी इस दोनों का मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाता 1 हो जाता, और इंटू फिर -1 हो जाता, और प्लस माइनस अभी हम बताएं ये क्या हो जाता है -1, यानी क्या
निगेटिव हो जाता, ये निगेटिव हो जाता। तो अगर पावर आपका ऑड है, पावर जो अगर ऑड है तो आपका साइन हमेशा माइनस में ही आएगा, हमेशा नंबर माइनस में आएगा। अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव में आएगा, चाहे वो नंबर छोटा हो या बड़ा हो। आप उस पर ध्यान मत देकर सीधे आप इस पर दे सकते हैं कि साइन मेरा क्या है, क्योंकि इसमें मेन गड़बड़ साइन का ही होगा कि साइन हम कौन सा दें और कौन सा नहीं दें। इस तरह से आप आसानी से इसका कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम बना देखना चाहें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि -7 प्लस -9 प्लस 12 और प्लस -16। सपोज करिए ये प्रश्न है मेरे पास, इसको सॉल्व करना है। तो -7 है, -9 है और -16 है, इसको हम एक साथ कर सकते हैं। यानी -7 या ब्रैकेट में कर लें, माइनस बाहर कर लें, 7 प्लस 9 प्लस 16 और प्लस 12 कर लें, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9 9 7 16 16 16 32, यानी -32 और प्लस 12। अब देखिए यहाँ सिंबल माइनस का बड़ा है, यानी इस दोनों में होगा क्या, मल्टीप्लाई होगा। अब 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, यानी -20 इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह से आप सीख सकते हैं इंटीजर्स। थैंक यू।